दारू मन था पी लिए, हम जा रहे थे कलकत्ता, नशा था पी लिए दारू। अच्छा, दारू मिलता है बिहार में? बिहार में दारू बंद है, विधानसभा में इंग्लिश का बोतल रखा है। कहाँ रहता है? विधानसभा में। तो तुमको कहाँ मिलता है? अभी पावर हाउस में दारू मिलता है, पीजिएगा। हाँ चलिए। जगह बिहार का बेगूसराय और ये है मोहम्मद इम्तियाज, जिसे पुलिस गिरफ्तारी के बाद थाने लेकर पहुंची है। हालांकि ये शख्स नशे में झूमते दिखाई दे रहा है, साथ ही लगातार पुलिस समेत अन्य लोगों से बहस भी कर रहा है। लाख समझाने के बावजूद इम्तियाज चुप नहीं होता, बल्कि इसी के साथ उसने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए, साथ ही नीतीश सरकार को भी घेरे में ला खड़ा कर दिया। बिहार में शराब मिलती है, ये पूछने पर नशेबाज इम्तियाज का जवाब सुन आप भी चौंक जाएंगे। लिए हम जा रहे थे कलकत्ता, नशा था लिए दारू। अच्छा, दारू मिलता है बिहार में? बिहार में दारू बंद है, विधानसभा में इंग्लिश का बोतल रखा है। कहाँ रहता है? विधानसभा में। तुमको कहाँ मिलता है? अभी पावर हाउस में दारू मिलता है, पीजिएगा। हाँ चलिए। हाँ पिला देगा? हाँ क्यों नहीं पिलाएंगे। नीतीश कुमार बोला था जो विधानसभा में इंग्लिश बोतल, कौन बोला था? मोदी जी ने। नीतीश कुमार का विधानसभा में इंग्लिश का बोतल रखा था, लेकिन बिहार में दारू बंद है ऐसा कहा है, हम पेपर में देखे थे ऐसा, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल। बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खोलते हुए दो शराबियों ने न सिर्फ जमकर शराब पी, बल्कि चौक पर खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो शराबियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शराबियों को काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। बीरपुर से पकड़े इसको, बीरपुर बाजार से। हाँ। दारू के नशा में पूरी तरह टल था। हाँ। और आने जाने वाले यात्री को छेड़ रहा था। अच्छा। तो सूचना मिली कि आइए आप यहाँ बीरपुर में दारू पी करके कुछ दो आदमी बवाल, एक आदमी के साथ और भी, तो उसको माथा उसका नहीं फटा हुआ था, वो थाना में ही है, और इसको भी और उसको भी दोनों का दारू का जांच कर दिया गया। अच्छा। दारू पी करके बहुत हंगामा कर रहा था, पकड़ के लाने में बहुत मुश्किल हुआ, ये पुलिस पर भी हमला कर दिया था। अच्छा। हाँ, जमाने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं था, किसी भी प्रकार इसको लाया। ये पहली दूसरी या तीसरी बार की बात नहीं है, ऐसे अनगिनत वीडियो कई बार सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने देखे हैं। नीतीश की माने तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसे में सवाल नीतीश के राज में कानून व्यवस्था पर उठता है कि आखिर नो अल्कोहलिक जोन में शराब पहुंचती कैसे है? कभी पुलिस स्टेशन तो कभी हॉस्टल, कभी किसी का घर तो कभी कोई और ठिकाना, लेकिन कहीं ना कहीं से शराब जरूर जब्त होती है।